यार सबसे बेस्ट बजट गेमिंग कीबोर्ड माउस कौन सा रहेगा? टेंशन मतलब मैं बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों अगर आप भी जो है यहाँ पे गेमिंग माउस एंड कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं एंड ऐसे में आपका काफी ज्यादा बजट नहीं है, सो यस गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेप्रोनिक्स की तरफ से आने वाला जेप ट्रांसफॉर्मर की। यस गाइस, ये जो है गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो है, तो इस वीडियो में जो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ साथ एक क्विक रिव्यू करेंगे, आप सभी को बताने वाला हूँ कैसे जो है कीबोर्ड माउस है आप सभी को परचेस करना चाहिए फिर नहीं, एंड सारे फीचर्स जो है इसको बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखते रहेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। ठीक है, आपको बहुत सारे फीचर्स देखने मिलते हैं कीबोर्ड के, तो भाई फुल लोडेड कीबोर्ड है गेमिंग के लिए। तो गाइस अनबॉक्स आपको जो है यहाँ पे 1999 रुपीज की जो है प्राइसिंग देखने मिलती है, अराउंड 2000 रुपीज की, बट ये आपको जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट अराउंड 1200 से लेके 1500 के बीच में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो इसको ओपन करते हैं तो सिंपल से जो है इस तरीके से ओपन हो जाता है, एंड फ्रंट में गाइज आपको जो है कीबोर्ड एंड माउस का अलग से सेक्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले गाइज यहाँ पे यूजर गाइड मैनुअल देखने मिलती है जो आती है जेब्रोनिक्स ट्रांसफॉर्मर की। आप देख सकते हो काफी सारी चीजें ये आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि यार इसमें काफी सारे आपको की फीचर्स बताएंगे, बाकी मैं वो वीडियो में भी जो है कवर कर दूंगा। नीचे की तरफ आपको जो है एक पेपर गाइड देखने मिलती है, आप बोल सकते हो जो आपको इससे डूज एंड डोंट करने हैं वो सब आप सभी को पता होगा। इसको रखते हैं साइड में, सबसे बढ़ते हैं हमारे माउस की तरफ। तो गाइज माउस जो है यहाँ पे काफी बेसिक पैकेजिंग में है, एंड मैं बता दूं इसको काफी दिन से यूज कर रहा हूं, अराउंड एक हफ्ते से। तो आप देख सकते हो माउस जो है इस तरीके से है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इसकी केबल क्वालिटी की, तो इधर आपको जो है गोल्ड ब्रेडेड केबल देखने मिलती है, जिसकी जो लेंथ है वहां पे 1.8 मीटर्स की है। यानी अगर आप भाई इसको बहुत दूर से यूज करना चाहते हो, अगर अपने डेस्क को काफी दूर रखते हो अपने से आंखों की वजह से, तो गाइस आप जो है इसको बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हो। एंड इधर अगर आप देखेंगे तो यूएसबी गोल्ड प्लेटेड देखने को मिलता है, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है यहाँ पे आपको इस प्राइस रेंज में जो है गोल्ड प्लेटेड यूएसबी। आप देख सकते हो माउस की जो है लुक कुछ इस तरीके से, आप बोल सकते हो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मर की तरह, अगर आपने ट्रांसफॉर्म मूवी या फिर गेम खेली है, या फिर आप बोल सकते हो टॉयज से खेले आप, तो भाई बचपन में मैं तो काफी ज्यादा खेला हूं, तो बिल्कुल वैसी लुक आ रही है। एंड अगर हम बैक की बात करते हैं तो गाइस इधर जो आपको पूरा एल्यूमिनियम देखने मिलता है, साइज बोल सकते हो आप काफी स्टैंडर्ड साइज है माउस के लिए। एंड गाइस सच बताऊं गेमिंग माउस के लिए तो काफी ज्यादा अच्छा है, काफी बड़ा भी नहीं है, काफी ज्यादा छोटा भी नहीं है। अब आप देख सकते हो इसकी जो लाइटिंग है बहुत ज्यादा अच्छी है। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि इसमें आपको टोटल 6 बटन देखने मिलते हैं। यस गाइस, ये आपका लेफ्ट राइट वाला बटन हो गया, एंड काफी अच्छी क्लिक्स हैं इसके में। ये जो स्क्रॉलिंग व्हील है आप बोल सकते हो स्क्रॉलिंग बटन है, ये भी जो है काफी अच्छे से प्रेस हो जाता है। एंड आप बोल सकते हो जब आप गेमिंग करोगे तो काफी अच्छे से आपको क्विक एक्शंस देखने को मिलते हैं। एंड इतना नहीं, ये आप बटन देखोगे यहाँ पे, तो गाइस आप बोल सकते हो ये जो है डीपीआई कंट्रोल बटन है, यहाँ पे आप सभी को जो है डीपीआई कंट्रोल करने का भी जो है सिस्टम देखने को मिल जाता है। आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आप अपनी मिनिमम 1000 से लेके 3200 तक की जो है डीपीआई कंट्रोल कर सकते हो। मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा जब आप गेमिंग करो तो आप मैक्सिमम जो है डीपीआई करो, आप बोल सकते हो डॉट पर इंच। यहाँ पे इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा जो अच्छा बटन में लगा मुझे ये वाले बटन है फॉरवर्ड एंड बैक वाला। आप बोल सकते हो कि जैसे आप किसी भी पेज पे हैं या फिर आप कोई भी जो है आप विंडो सर्च कर रहे हैं, अगर आप जाते हो उस पर बैक जाना या फिर आप फॉरवर्ड जाना, तो आप सिंपल से जो है इन बटन के थ्रू कर सकते हैं। काफी ज्यादा अच्छे बटन है, ये आपके थंब के पास ही रहते हैं, तो आप सिंपल से एक क्लिक में अपने नेक्स्ट और फॉरवर्ड कर सकते हो। पूरा माउस ले जाके भाई आपको एंड तक नहीं ले जाना, तो ये चीज ध्यान देनी है। एक चीज थोड़ी सी जो मुझे कमी लगी इस माउस में, बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको एलईडी कंट्रोल ऑप्शन नहीं देखने को मिलता, यस गाइस आपको कोई डेडिकेटेड एलईडी कंट्रोल ऑप्शन नहीं देखने मिलता, ये जो है ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, बोल सकते हो आप रेड ब्लू ग्रीन ऑरेंज जो सारी इसकी खुद ब खुद चलती है, तो ये चीज थोड़ी सी आपको देखनी है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस माउस में। इसको रखते हैं साइड में। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे कीबोर्ड की, तो सबसे पहले यार कीबोर्ड जो है पॉलीथीन पैकेजिंग में आया, तो इसको रखते हैं साइड में। एंड जो है यहाँ पे पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ आता है। एंड भाई इधर मैं आप सभी को वही बता दूं कि यहाँ पे आपको 1.8 मीटर की गोल्ड ब्रेडेड जो है केबल देखने मिलती है, एंड भाई ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। आपको बता दूं ये एक जो है मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, लेकिन गाइस ये जो इस प्राइस रेंज में आ रहा है बहुत ज्यादा सही है। अगर आप स्टिल इस प्राइस रेंज में लेंगे तो आपको इस स्पेसिफिकेशन या फिर आप बोल सकते हो इस क्वालिटी के साथ आपको मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं देखने को मिलेगा, बट गाइस नो डाउट ये भी काफी अच्छा कीबोर्ड है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा एल्यूमिनियम फ्रेम है। एंड अगर हम बात करते हैं इसके आरजीबी के बारे में, तो आरजीबी भी बहुत ज्यादा सही है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे से आप खुद ब खुद कंट्रोल कर सकते हो इस बटन की मदद से, एंड काफी ज्यादा जो है अच्छा बटन है, एक क्लिकी बटन है। एंड यहाँ पे आप सभी को जो है तीन पैटर्न्स देखने मिलते हैं, अगर आप चाहते हो इनको जो है ब्लिंक वाला, तो आप फंक्शन दबा के जो है यहाँ पे इस बटन को क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो जो है यहाँ पे आपकी एलईडी या फिर आप बोल सकते हो आरजीबी की इंटेंसिटी बढ़ाना या फिर कम करना, तो आप जो है इस बटन के थ्रू भी कर सकते हो फंक्शन को दबा के। इधर जो है आप सभी को, अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो भाई कभी कभी क्या होता है विंडो बटन पे क्लिक हो जाता है, तो
यहाँ पे जो है बैक हो जाता है विंडो से या फिर आपकी विंडो खुल जाती है। तो गाइस यहाँ पे आप जो है डेडिकेटेड इसको लॉक कर सकते हो सिंपल से फंक्शन एंड जो है विंडो दबा के, तो यहाँ से लॉक हो जाएगा। एंड इधर जो आपको इंडिकेटर भी देखने मिलती है, नहीं नहीं गाइस यहाँ पे आप सभी को जो है रुपी का भी बटन देखने मिलता है, आप बोल सकते हो रुपी भी यूज कर सकते हो जब आप इसमें कैलकुलेशन या फिर आप कुछ भी ऐसा यूज कर रहे हो कैलकुलेटिंग के लिए या फिर अगर आप अकाउंट्स के लिए यूज कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे रुपी के लिए भी बटन देखने मिलते हैं। पर अगर आप देखेंगे तो फंक्शन की आपको सारी देखने मिलती है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल का ऑप्शन देखने मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन देखने मिलता है, कैलकुलेटर एंड लॉक का ऑप्शन देखने मिलता है। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। अगर हम बात करते हैं इसके स्टैंड्स की, तो गाइस यहाँ पे आपको दो तरीके के स्टैंड देखने मिलते हैं, एक स्मॉल एंड एक लार्ज। आप बोल सकते हो इसको जो अपनी मदद से आप जो भी आपका मन करे जो उसको कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं इसको अभी बड़ा वाला कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो छोटे साइज पे तो छोटा भी कर सकते हैं, तो छोटे भी आपको देखने मिलते हैं। जैसे अगर आपको काफी ज्यादा हाइट पे नहीं रखना तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड इन स्टैंड में आपको रबर ग्रिप देखने मिलती है एंड पूरे कीबोर्ड में, जैसे अगर आप अपने डेस्क पे रख रहे हो तो कभी अगर स्लाइड हो जाता है तो इसमें जो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी, बिल्कुल भी जो है स्लाइड नहीं होगा, एक तरीके से स्टक हो जाएगा एक जगह पे। तो गाइस अगर आप भी मेरी तरह GT5 के फैन है तो भाई आपको जो है यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होती होगी, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको जो है ये AWSD वाले बटन से जो है करेक्टर मूव करता है, आप बोल सकते हो व्हीकल भी आप इससे चलाते हैं। बट अगर आप चाहते हो भाई यहाँ पे इन एरो कीज से एरो बटन से जो है यूज करना, तो आपको सिंपल से जो है फंक्शन एंड जो है यहाँ पे W दबाना है। तो अब आपकी ये जो AW वाली है ये जो है एरो कीज बन चुकी है, आप देख सकते हो हमारा करेक्टर अब इससे मूव कर रहा है ना कि इससे। अब इससे हमारे वो वाले काम होंगे जैसे फोन निकालना या फिर इधर उधर जाना, तो ये चीज आप कर सकते हो। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहते हो तो आपको सिंपल से फंक्शन W दबा देना है, अब जो है वापस से इससे ही चलेगा, आप देख सकते हैं। होप गाइस आप सब लोगों को जेप ट्रांसफॉर्मर की अनबॉक्सिंग काफी अच्छी लगी होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके रिव्यू के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो नो डाउट गाइस यहाँ पे आप सभी को जो है लेटेस्ट डिजाइन देखने मिलता है। एंड गाइस सही बताऊं, जो भी इसको आपके डेस्क पे देखे या फिर आपके सेटअप पे देखेगा तो एक बार जोर से पूछेगा कि भाई ये जो है कौन सा कीबोर्ड माउस है। ये चीज मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी क्योंकि इसका लुक जो है यहाँ पे अप टू डेट है या फिर आप बोल सकते हो एकदम लेटेस्ट लुक के साथ आता है। बात करते हैं यहाँ पे कीज एंड क्लिक्स के बारे में। तो सही बताऊं कीज एंड क्लिक्स काफी ज्यादा एक्यूरेट है, ऐसा नहीं है कि आप टी दबा दो वाला आई भी दब जा रहा है या फिर आप एस दबा रहे हो तो ए भी दब जा रहा है, डी भी दब जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। एंड ये जो है एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, आप सभी को पता ही होगा यहाँ पे मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है, तो इतना ज्यादा मुझे फर्क नहीं देखने मिला, मैंने दोनों ही कीबोर्ड यूज करे हैं, लेकिन ये वाला मुझे ज्यादा जो है अच्छा लगा। भाई उसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, आपकी जो है अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बात करते हैं इसकी लाइटिंग के बारे में या फिर बोल सकते हो आप इसकी RGB लाइटिंग के बारे में। तो RGB लाइटिंग जो है कीबोर्ड में फुल लोडेड है एंड उसके साथ साथ माउस में जो आपको काफी अच्छी RGB लाइटिंग देखने मिलती है। बस यहाँ पे डिफरेंस यही है कि आप माउस में जो है खुद ब खुद उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे जो आप कीबोर्ड में उसको एक डेडिकेटेड बटन देख रखा है वहां पे जो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड गाइस माउस भी जो है फुल लोडेड माउस है, यहाँ पे आप सभी को जो है DPI कंट्रोल का ऑप्शन देखने मिलता है, जैसे भी आपको DPI पसंद है आप कम ज्यादा आप जो भी कर सकते हैं, तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। कीबोर्ड में जो आपको कुछ स्पेशल कीज भी देखने मिलती है, जैसे आपको रूबी का बटन देखने मिलता है स्पेशली। एंड यहाँ पे आपको जो है विंडो लॉक का बटन देखने मिलता है, जैसे अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो या फिर आप GT5 खेल रहे हैं तो जो है आप कभी कभार जो है विंडो पे बटन के क्लिक हो जाता है विंडो ओपन हो जाती है, तो आप जो इसको लॉक भी कर सकते हो कि भाई अपना मस्त एकदम गेमिंग खेलो, कोई इंटरप्शन नहीं होगी। ये तो थे इस कॉम्बो के प्रोज। अब हम बात करते हैं इसके कॉन के बारे में। तो गाइस यहाँ पे कॉन बहुत छोटा सा है, जैसे मैं जो है काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ इसको, अराउंड एक दो हफ्ते हो चुके हैं। बट गाइस यहाँ पे जो है मेरे डी का जो बटन है, आप बोल सकते हो कि जो कीबोर्ड में डी बटन होता है वो जो है उसका डी जो है थोड़ा सा फेड हो चुका है। आई डोंट नो, शायद से मैं उसको खाते टाइम भी यूज करता हूँ, जैसे कुछ भी स्नैक्स खा रहा हूँ या फिर कुछ पी रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, तो मैं जो है जब भी टाइपिंग करने लग जाता हूँ या गेमिंग करने लग जाता हूँ तो वहां से थोड़ा सा मिट रहा है। ये जो एक छोटा सा कॉन मुझे देखने को मिला, बाकी ये कीबोर्ड जो है या फिर आप बोल सकते हो ये कॉम्बो जो है फुल लोडेड कॉम्बो है। गेमिंग के लिए ढूंढ रहे हैं ये कीबोर्ड, तो गाइस सही बताऊं तो ये एकदम बेस्ट होने वाला है, बल्कि गेमिंग के लिए नहीं, अगर आप टाइपिंग के लिए ढूंढ रहे हो, किसी भी पर्पज के लिए ढूंढ रहे हो, कोडिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सर्फिंग हो सकता है, तो ये आपके लिए जो है बेस्ट रहने वाला है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो ये जो है उसको ऑफलाइन मार्केट में 1200 रुपीज का देखने मिला, लेकिन अगर आप जाएंगे यहाँ पे ऑनलाइन मार्केट में या फिर आप बोल सकते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो वहां पे आपको जो है 1200 से 1500 रुपए देखने मिलेगा। एंड फ्लिपकार्ट पे तो भाई लूट ही मचा रखी है, यानी आप बोल सकते हो 1900-1800 रुपए देकर देखने मिल रहा है। आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आप जो इसको परचेस करना चाहते हो तो आप सेल में परचेस कर सकते हो, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप जो है यहाँ पे अमेजोन फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हो। तो गाइस इतना ही था वीडियो में, आप लोग बताना कैसे लगे कीबोर्ड माउस कॉम्बो। इतना ही था वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसी वीडियोस में रोजाना अपने चैनल पर आता रहता हूं, मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।